आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। तो मेरे सभी बुजुर्गों और किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि जॉन फार्मिंग लीडर पर। आपके सामने आज जो सेटअप है ये रवि जॉन फार्मिंग लीडर पर दिखाया जा रहा है, और इसके लिए मैं रवि जॉन फार्मिंग लीडर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक सेटअप है। इस प्रोजेक्ट में बिना मिट्टी के चारा पैदा किया जाता है। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले कि कैसे हम ये सेटअप इंस्टॉल करते हैं। मेरा नाम राहुल राज द्रविड़ है और मैंने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से बीटेक किया है। मैंने अपने बीटेक लाइफ के तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में हाइड्रोपोनिक्स पर प्रोजेक्ट दिया था, जिसका जो टाइटल था वो था मैकेनाइजेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन। तो उसमें हम लोग ने ये सेटअप दिया था और खुशी की बात ये थी मेरे लिए कि मैं उस प्रोजेक्ट का टॉपर रहा था। तो चलिए आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं। इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि इस तरह के रैक सिस्टम बनाया जाता है, और इस रैक सिस्टम में हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलीन प्योर वर्जिन यानी फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज करके इस तरह की ट्रे लगाई जाती हैं और उसमें अनाज बोया जाता है। और अनाज बोने के आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपका 8 से 10 किलो इस तरह का हरा चारा तैयार हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि सिर्फ पानी रहता है और कुछ मिनरल्स अगर आप चाहें तो दिए जा सकते हैं। मिनरल देने से फ़ायदा क्या रहता है कि जो आपका कैटल है जिसको एक्स्ट्रा मिनरल देने की ज़रूरत पड़ती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। आज जो सेटअप है ये इस सेटअप के बाद जो हम शूट कर रहे हैं, जो हमारी साइट है ये है रायबरेली की ऊंचाहर, और हमारे साथ हैं सौरभ जी। तो नमस्कार सौरभ जी, आपने ये सेटअप इंस्टॉल किया था, तो चलिए आपसे ही इसके बारे में जानते हैं। आपको कैसा लगा ये सेटअप इंस्टॉल करवा के कि कैसे कितना फ़ायदा हो रहा है कैसे क्या? सर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास ज़मीन और पानी की उपलब्धता होने के बाद भी गर्मी के मौसम में आवारा जानवरों की समस्या के कारण जो है सर हमें हरा चारा मिल नहीं पाता था। तो जानवर के लिए भी मतलब उसको भी जो प्रोटीन उनको देना चाहिए था तो हम दे नहीं पा रहे थे, और हमारी लागत भी बढ़ रही थी तो फ़ायदा भी कम हो रहा था। तो ये सर हमने थोड़ी सी ज़मीन में जो है 50 किलो चारे का हाइड्रोपोनिक फॉडर सिस्टम हमने ये लगाने के बाद हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जानवर से भी सेफ है, और बहुत कम ज़मीन में बहुत कम पानी में हमारा ये पूरा सेटअप हो जाता है, और बहुत कम मेहनत है इसमें, कोई मतलब किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है। ये 6x10 की जगह है, 6x10 स्क्वायर फीट, 6x7 क्षमा कीजिएगा, जो ये जगह है अभी हमारे पास थोड़ा सा और हमने एक्स्ट्रा ले रखे 10 उसको फीट मानकर चल रहे हैं। तो इसमें जो जगह, इस जगह में आपको 50 kg चारा रोज मिल रहा है, और कितना पानी आपको लग जा रहा है इसमें? सर 1 किलो चारे के लिए हमें मुश्किल से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि अगर ज़मीन में 1 किलो चारा लेंगे तो हमको कम से कम 80 लीटर पानी चाहिए रहेगा, और उसमें जो यूरिया DAP की मात्रा है वो भी कुछ ना कुछ वो भी जाएगी जी। इकोनॉमिकल भी अगर कम पानी में भी बढ़िया पैदावार। आपको ये साइड में ड्रम दिख रहा है, ये पूरी पानी की असेंबली की गई है। इस ड्रम में 150 लीटर रोज पानी भरा जाता है, और उससे ये रोज का रोज 50 किलो के जो चारा है वो मिल जाता है। तो उठा कर दिखाएंगे ये किस तरीके से, ये देखिए, ये इसमें रत्ती भर भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से बोया जाता है और आपका ये रूट मैट पूरा तैयार हो जाता है। इसको खिलाने के कई तरीके हैं, आप नोच कर डाल सकते हैं, सीधे भी डाल सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि अगर आप चॉप करके डालेंगे तो भी आपका जो कॉन्सेंट्रेट फीड दे रहे हैं फिर वो देने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये एक तरीका है इस तरीके से। और ज़रा ये ट्रे भी आपसे हम देख लेते हैं कि ट्रे कैसा क्या है, कि ये देखिए ये ऐसा चारा रहता है, और इसको आप इंस्टॉल इससे सीधे जाकर दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है आपकी, और इसमें क्या रहता है कि ये फॉगर की असेंबली लगाई गई है, इसके साथ टाइमर फिट रहता है, जैसे कि आप जॉब करते हैं सुबह और शाम को देख पाते हैं, बीच के दौरान जो वाटरिंग टाइम है उसमें ये टाइमर अपने आप चालू हो जाता है या अपने आप बंद हो जाता है, तो इसके लिए कोई झंझट नहीं रहता है। और दूसरी बात क्या है कि अब ऐसे में एक और चीज़ होती है कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा दूध की बढ़ोतरी को लेकर? इसमें सर सबसे पहले तो जानवर पहली बार में तो बड़े मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन बाद में जानवर इसको अगर सीधे भी तोड़ के दे देते तो जानवर उसको बहुत आराम से और चाव से खाता था। बाकी सर दूध में भी हमें शाम को हमने इसको ऑर्डर दिया 10 से 15 kg,
और हमें अगली मॉर्निंग में ही कम से कम 3 किलो का देखिए ये एक बड़ा तुरंत ही इंस्टेंट हमें ये एक बड़ा अंतर हो जाता है कि आपने शाम को चारा दिया। अच्छा इसकी मैं वजह बता देता हूँ, जब मैं बीटेक कर रहा था तो हमारे कॉलेज का जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेटनरी डिपार्टमेंट है मैं वहाँ भी जाता था और दूसरे भी जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे वहाँ पर भी मैं जाता था। तो एक बड़ा जो उन्होंने अंतर बताया कि क्यों ऐसा होता है, असल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4, यानी जो इस फॉडर से का पीएच होता है वो 7.4 होता है और जो ब्लड का पीएच होता है वो भी 7.4 होता है। इस वजह से वो डायरेक्टली जाकर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और एक और बड़ी वजह मैं बता दूं कि इसमें जो प्रोटीन और मिनरल्स एंजाइम्स इस तरह की चीज़ें रहती हैं वो भी। अब बात करते हैं कि इसमें विटामिन्स की, तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, B2 है, B3 है, B5 है, विटामिन 8 है, विटामिन ये B12 है और बीटा कैरोटीन है। इसके अलावा विटामिन सी रहता है इसमें, विटामिन डी रहता है, विटामिन D3 रहता है, विटामिन ई रहता है, विटामिन के रहता है। ये इतनी सारी इसमें जो विटामिन्स रहती हैं जिसकी वजह से जो जाकर कैटल के आप बॉडी सिस्टम पर वर्क करती हैं। अब अगर एक और चीज़ बात कर लें कि मिनरल्स की, तो इसमें फॉस्फोरस रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, सल्फर रहता है, आयरन रहता है, जिंक रहता है, कॉपर रहता है और मॉलिब्डेनम रहता है और इसके अलावा बोरान रहता है। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इसकी वजह से क्या रहता है कि ये कैटल की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करती हैं, जिसकी वजह से कि उसका एंजाइम सिस्टम जो रहता है पूरा का पूरा वर्क करने लगता है। अब दुधारू पशुओं की बात करें तो उनको कैल्शियम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति यहाँ से हो जाती है और उनकी जो मिल्किंग होती है, दूध देने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अब एक और बात करते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 3 लीटर इसमें पानी लगता है, ये सही, हाँ 3 किलो। अभी भारत की ऐसी स्थिति हो गई है कि राजस्थान आपका जो झारखंड का काफ़ी क्षेत्र है और महाराष्ट्र और MP का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है कि सूखे की चपेट में है। अभी खेत में जब करने जाते हैं तो बहुत ही अथाह पानी लग जाता है, 1 kg चारा उत्पादन के लिए औसतन 100 लीटर से भी ज़्यादा पानी लग जाता है। जहाँ पीने की समस्या है वहाँ लोग फिर खेतों में नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि उन किसानों को एक संदेश जाना चाहिए कि वो इतने कम पानी में इतनी कम जगह में वो चारे का उत्पादन लें? सर हमारा तो ये मानना है कि अगर आदमी परंपरागत जो रूप से चारे का उत्पादन ना करके अगर हाइड्रोफोरिक में करे तो उसको पहले तो इसको चारे में इसमें जड़ भी मिल रही है, दाना भी मिल रहा है, ऊपर का हरा चारा भी मिल रहा है, तो ये कंप्लीट मतलब एक तरीके से आहार है। लेकिन ये ज़मीन में जानवर को कत्ते ही नहीं ये मिल पाएगा, ये सिर्फ हाइड्रोफोनिक में ही मिल पाएगा। और जो ज़मीन अगर मतलब अगर कहीं पे पानी है अभी तो हमारा कहना ये अगर हाइड्रोफोनिक में उगाएंगे तो वो ज़मीन खाली होगी उसके लिए, तो वो कुछ और फसल चाहे तो अपने आर्थिक रूप से और मजबूत होने के लिए वो कोई और फसल भी लगा सकता है। जैसे कि एक बड़ी बात क्या है कि इसमें इसको जब करने जाते हैं तो इसमें क्या रहता है कि नीचे देखिए पूरी की पूरी जड़ मिल जाती है, इसके अलावा बीज मिल जाते हैं, तना और पत्ती मिल जाता है। जब खेत में करने जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ऊपर का हिस्सा मिल पाता है, जड़ें नहीं मिल पाती हैं। और आयुर्वेदा में हमने सुना है कि जड़ी बूटी कहते हैं, जड़ी बूटी का मतलब जो जड़ें रहती हैं और बूटी का मतलब जो ऊपर फल पत्तियाँ रहती हैं उनको बूटी बोला जाता है। जब ये हमारा आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है जिसकी वजह से इनको बहुत अधिक ये जो दुधारू पशु हैं उनका दूध बढ़ता है। एक और मैं बात बता दूँ कि जो लोग इस समय आपका पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या जो लोग पिगरी फार्मिंग कर रहे हैं या जो लोग दूसरी चीज़ें आपका बतख पालन कर रहे हैं उनके लिए भी ये अपने आप में एक वरदान है। होता क्या है कि दूध दुधारू पशुओं में दूध और उनके शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन जब हम बकरा पालन या भेड़ पालन या फिर इस तरह का सुकर पालन या मुर्गी पालन करते हैं तो हमको अधिकतर अतिरिक्त मांस चाहिए होता है। और वहाँ पर भी जो देखा गया है कि ये अधिक जो है बहुत अच्छे से काम करता है। होता क्या है कि जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो बाजार से पालक लाते हैं, पालक उनके लिए बहुत ही महंगा सोर्स पड़ता है और हमेशा पालक उपलब्ध भी नहीं रहती है। अगर जो लोग पालक का एक अच्छा विकल्प चाहते हैं, जो पत्ती खिलाते हैं, बरसीम खिलाई जाती है, उसका एक अच्छा विकल्प है ये कि जो लोग ये इस तरह का सेटअप लगाएंगे तो उनके लिए वर्ष के 12 महीने जो है और उनको इस तरह का हरा चारा मिलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि किसानों को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि इस तरह का सेटअप लगवाएं लोग? मेरा सर ये मानना है कि अगर फार्मर अगर ये सेटअप लगाएगा तो एक तो वो
उसकी एक तो ये चारा बढ़िया प्रोटीन है और दूसरा सर ये है कि इसको इकोनॉमिकल पड़ेगा, तीसरा ये है कि उसकी जमीन जो खाली जा रही है जी, तो वो उसमें अगर वो यदि चाहे तो उसमें फसल लगाए, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी की उसको भरपूर बचत मिलेगी। और ये देने के बाद जो कॉन्सेंट्रेटर फीड का जो जो खर्चा है वो भी खर्चा भी कम होगा, क्योंकि आजकल जो है जैसे वो आय दोगुनी करने की बात चल रही है, तो आय दोगुनी तभी होगी जब हमारा खर्च आधा होगा। जी, एक बहुत बड़ी बात है कि सरकारें कह रहे हैं कि आय दोगुनी करनी चाहिए, लेकिन आय दोगुनी कैसे हो जब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट फीड ही, कोई कंसंट्रेट फीड पर कमा रहा है, कोई डीजल पे कमा रहा है, कोई किस तरीके से कमा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल निर्भरता बाज़ार पे काफ़ी कम हो जाती है या लगभग खत्म सी हो जाती है। अगर आपका मक्का खुद का है तो बाज़ार से निर्भरता अभी आपकी खत्म हो जाएगी और आप एक सस्ता चारा मुहैया करा सकते हैं अपने आप को। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर इस तरह का कोई सेटअप चाहिए, इस तरह का आपको चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर रवि जोन फार्मिंग लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे दिया इस तरह के बेहतरीन प्रोजेक्ट को रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।